हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातीज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि मैं अपने बेबी की मालिश किस तरह से करती हूँ। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे बेबी को अभी कुछ ही दिनों में 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको पैरों के ऊपर रख कर ही मालिश करती हूँ। अगर आपका बेबी बड़ा है, अच्छे से बैठ सकता है, तो आप उसको ज़मीन पर बिठाकर भी मालिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोनों पैरों के ऊपर आप कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप अपने बेबी को लिटा दीजिए। बेबी का जो सर है वो आपके पैरों के तरफ करना है ताकि मालिश करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हाथों पे ऑयल ले रही हूँ। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं मालिश के लिए, बट मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मालिश हमेशा पैरों से लेकर सर तक करनी चाहिए, मतलब पैरों से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऑयल हाथों के ऊपर लिया है और पैरों के जो तलवे हैं उससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पैरों के तलवे को मालिश करने से बेबी की नींद पूरी हो जाती है और बेबी शांति से सोता है, बार बार उठता नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से मालिश करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, उनको भी अच्छे से मालिश करना ज़रूरी है ताकि हड्डियाँ मजबूत हो। और हमें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मालिश कर रही हूँ। जो भी जॉइंट्स है उसके ऊपर ऑयल लगा के आप सर्कुलर मोशन में वहाँ पर मालिश कीजिए, इससे जॉइंट्स हमारे मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती है और जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। नेक्स्ट आपको पेट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और सर्कुलर मोशन में उसे मसाज करते जाना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मालिश कर रही हूँ। पेट से लेकर ऊपर की जो नेक है वहाँ तक आपको मसाज करते करते जाना है। और उसी तरह से हाथों को भी मसाज करना है। हाथ की जो उंगलियां है वहां से लेकर शोल्डर तक आपको मसाज करते जाना है। 5th मंथ के बेबी को या फिर 6 मंथ्स की जो बेबी होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आपको मालिश नहीं करना है। मीडियम प्रेशर आपको लगाना है ताकि जो पूरा ऑयल है वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। तो हाथों की और पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं उसके हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, दोनों तरफ फोल्ड करके या फिर ऊपर नीचे करके मैं उसके हाथों की एक्सरसाइज करती हूँ। एक पैर और एक हाथ अच्छे से खींच के या फिर बाद में पास में ला के उसकी एक्सरसाइज में कंप्लीट करती हूँ। उसी तरह से पैरों की भी एक्सरसाइज सर्कुलर मोशन में करना या फिर फोल्ड करके फिर से उसको स्ट्रेट करना, ये सारी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। क्योंकि जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके पैर थोड़े अकड़े हुए होते हैं, तो वो स्ट्रेट होने में इससे मदद होती है। उसके बाद फिर हम बैक साइड से मालिश करेंगे। और पैरों की मालिश मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, उसी तरह से आपको बैक साइड से भी करना है। जॉइंट्स के ऊपर ऑयल डाल के सर्कुलर मोशन में आप उसको मसाज कीजिए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करते जाइए। उसी तरह से हमें पेट की भी मालिश करनी है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मालिश कर रही हूँ। नेक के आसपास भी आप थोड़ा सा ऑयल डाल के मसाज कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेबी हेल्दी है तो उसका नेक आपको अच्छे से मसाज करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल के वहाँ की जो जगह है, वहाँ की जो स्किन है वो अच्छे से साफ़ कीजिए। पसीने के कारण वहाँ पे गंदगी जम सकती है, इसलिए ऑयल डाल के आप थोड़ा सा वहाँ पे भी मसाज कीजिए।
सो गाइज दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।